सो गाइस हमारे पास आज है 2024 की न्यूली लॉन्च यमहा MT15 का मैट ग्रीन कलर, जो कि भाई इस कलर को आप लोग देख रहे हो कि ये जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। साथ ही बाइक के जो एलॉयस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो आपको नियॉन में मिल जाते हैं भाई, जिसे कि आप नियॉन येलो बोलो तो ज़्यादा सूट करेगा। तो इस वीडियो में आज आपको हम MT15 के 2024 वेरियंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप लोग MT15 भाई परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही इस गाड़ी में शायद दो कलर और लॉन्च किए गए हैं, उसकी भाई जो वीडियो भाई आपको जल्द ही चैनल पे मिल जाएगी, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही भाई जो वीडियो है लाइक कर दो, और भाई आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो भी आप कमेंट डाउन ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो है बात करते हैं गाड़ी के फेस से। तो यार इसका भाई जो फेस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक मिल जाएगा, जिसमें कि आपको दो LED के मिल जाएंगे DRLs। साथ ही इसका जो रेनवाई प्रोजेक्टर वो आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, जो कि आपको नाइट में काफ़ी अच्छी थ्रो प्रोवाइड करा देता है। और इसका भाई जो ये फेस मास्क है ना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा रोबोटिक फील कराएगा। और बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे LED के, और भाई ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, है लेकिन ज़्यादा नहीं है। बाकी भाई जो नंबर प्लेट है वो आपकी इधर प्लेस हो जाएगी, तो भाई नंबर प्लेट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, और यहाँ की जो दूरी है वो भी काफ़ी ठीक ठाक आपको मिल जाती है MT15 में। बाकी यार इधर जो भाई आपको कुछ ऐसी फेयरिंग मिल जाएगी ब्लैक कलर की, जो बोल्ट्स हैं वो आपको LN की बोल्ट्स के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं बाइक के फ्रंट पे। तो भाई इसका जो फ्रंट मिडगार्ड है वो आपको मैट ग्रीन में मिल जाएगा भाई, जैसा आपको कलर मिल जाता है आर्मी का, सेम भाई वैसा आपको मैट ग्रीन MT15 में देखने को मिल जाएगा। इधर भाई कोई भी आपको ग्राफिक्स नहीं मिलने वाले हैं। और इधर जो है भाई आपको मिल जाएगी फ्रंट में डिस्क ब्रेक, जो कि आपको 282 mm के साथ देखने को मिल जाती है। बाइपर के भाई आपको कैलिपर मिल जाएंगे। आपको भाई इधर जो है ABS की रिंग मिल जाएगी। और इसका भाई जो फ्रंट टायर है वो आपको MRF ब्रांड का देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई ये टायर आपको ट्यूबलेस मिलेगा, जो कि रेडियल है। और इसका भाई जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी 180/17 की, जो कि भाई ये टायर्स ट्यूबलेस हैं वो आप देख सकते हैं। और इसका भाई जो एलॉय है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। बाकी जो है आपको भाई एलॉय के जो पूरे लुक्स हैं वो हम चेक कराते हैं। तो भाई कुछ ऐसे आपको इसके एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी यार फ्रंट में आपको मिल जाएगा गोल्ड कलर का अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जो कि आपको काफ़ी अच्छा मोटाई के साथ देखने को मिल जाएगा, और ये सॉकर्स बहुत ही कंफर्टेबल फील कराने वाले हैं। अब आते हैं बाइक के टैंक पे। तो बाइक का जो टैंक है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे कि आपको MT15 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, लोगो आपको मिल जाएगा MT का। बाकी यार भाई इधर आपको मिल जाएगी फेक एयर वेंट की ग्रिल, जो कि भाई ये सिर्फ फेक है, कुछ वर्किंग नहीं है। बाकी यार भाई टैंक पे आपको मिल जाएगा यमहा का लोगो, जो कि भाई रबड़ फिनिश में रहने वाला है, और जो टैंक का कलर है वो आपको मैट ग्रीन में देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं बाइक के भाई टैंक के जस्ट ऊपर। तो भाई इधर कोई भी ग्राफिक्स नहीं है, इधर बिल्कुल ही प्लेन है। अब आते हैं बाइक के मेन टैंक के साइड। तो इधर जो है भाई आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग E20 की, इधर आपको मिल जाएगा MT का लोगो। बाकी भाई जो फ्यूल कैप है वो आपको राउंड शेप में मिल जाएगा। इधर जो है भाई टैंक में आपको मिल जाएगी चाबी की प्लेसमेंट की जगह, और बाइक का जो भाई मीटर कंसोल है वो आपको मिल जाएगा फुली डिजिटल भाई, जिसमें कि आपको ओल्ड वाला कंसोल ही मिल रहा है। इधर जो भाई आपको मिल जाएगा इंजन किल स्विच ऑन ऑफ का बटन, और भाई जो थ्रॉटल है एंड बार है वो आपको ओल्ड वाले सेम मिल जाएंगे। इधर जो भाई आपको मिल जाएगा स्विच हॉर्न इंडिकेटर पास वगैरह का। साथ ही भाई इसमें जो है आपको सिंगल पीस में हैंडल बार्स मिलने वाले हैं। और भाई जो इसका कॉकपिट है, जो भाई डैशबोर्ड है, वो आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ देखने को मिलने वाला है। अगर इधर आएँ तो भाई इधर आपको कुछ ऐसे लुक्स मिलने वाले हैं। अगर बात करें भाई बाइक का इंजन, तो इसका जो इंजन है वो आपको 155 cc का लिक्विड कूल देखने को मिल जाएगा भाई, जिसमें कि आपको 6 गियर्स मिल जाएंगे। और MT जो है लगभग आपको 35 से 40 का माइलेज दे देती है, और MT की जो टॉप स्पीड निकल के आती है वो निकल के आती है 147 के आसपास तक का, भाई ये गाड़ी इजीली आपको स्पीड अचीव करा देगी। इधर जो है आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग MT की। बाकी यहाँ जो इंजन के कलर्स हैं वो आपको इधर मिल जाएंगे
और इधर जो है कोई भी कंपनी ने पेंट नहीं कर रखा है। इधर जो है आपको मिल जाएगा रेडिएटर जो कि कूलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अगर इधर आ जाएं तो इधर आपको मिल जाएगी यमहा की ब्रांडिंग जो कि आप देख सकते हैं। और इसका भाई जो हेड वगैरह है इधर कंपनी ने कोई भी पेंट नहीं किया है। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो आपको साइड माउंटेड मिलेगा जो कि आपको बहुत ही लाइट साउंड ये बाइक प्रोवाइड कराने वाली है। इसका जो राइडर का फुटरेस्ट है वो आपको फोल्डेबल देखने को मिल जाएगा। और भाई जो फुटरेस्ट पिलियन के हैं वो भी आपको फोल्डेबल ही मिल जाएंगे। बाकी यार इसका जो ग्रैब रेल है वो कुछ आपको वैसा देखने को मिल जाएगा जो कि लोहे का रहने वाला है। और ये ग्रैब रेल्स आप स्प्लिट का बोल सकते हैं। और बाइक का जो इंजन काउल है वो आपको मैट ब्लैक में मिलेगा जो कि यार काफ़ी बड़ा रहने वाला है। अगर भाई बात करें गाड़ी के डायमेंशन एंड वेट की तो भाई उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बाइक का जो डायमेंशन है वेट है वो ऑलरेडी दे रखा है। अब आ जाते हैं बाइक की सीट पे। तो बाइक की जो सीट है वो आपको मिलने वाली है सिंगल पीस में और जो सीट है वो आपको बहुत ही छोटी मिल जाएगी। और इसके जो ग्रैब रेल्स हैं वो आप ऊपर से देख सकते हैं। बाकी यहाँ जो ये वाली फेयरिंग है तो ये सिर्फ एक प्लास्टिक का पार्ट है, ये कोई भी ग्रैब रेल का पार्ट नहीं है। और इधर जो है भाई फुटरेस्ट जो है वो आपको चेसी में वेल्ड नहीं मिलेंगे, पहले मिलते थे। तो इधर जो भाई अब आपको मिल जाएंगे एल्यूमिनियम के फुटरेस्ट। पीछे जो भाई आपको मिल जाएगा येलो कलर का मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो कि भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसका भाई जो रहने वाला है स्विंग आर्म वो आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम का जो कि पहले आता था लोहे का, तो लुक्स इससे ज़्यादा और अच्छे हो जाते हैं। बाकी यार पीछे कुछ ऐसा आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा। पीछे के जो अलॉयस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे नियॉन येलो कलर के। और जो पीछे की टायर की प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगी 140/70R17 की। और जो ये टायर्स हैं आपको मिलने वाले हैं रेडियल टायर के साथ। और एमटी की जो पीछे की टेल लाइट है वो कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी जो कि एलईडी की रहने वाली है। इधर से आपको मिलने वाले हैं एलईडी के टर्न इंडिकेटर्स। बाकी यार भाई जो टेल टाइडी है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको लाइट मिल जाएगी नंबर प्लेट के लिए डिफरेंटली भाई आपको उधर मिल जाएगा। और इसका जो हगर गार्ड रहने वाला है वो निकालने के बाद लुक और भी अच्छे हो जाते हैं। पीछे जो भाई आपको मिल जाएगी डिस्क ब्रेक जो कि रहने वाली है 220mm के आसपास तक की। सिंगल पोर्ट ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे और ABS की रिंग मिल जाएगी। और बाइक का जो पूरा लुक है वो आप अब जो है एक फ्रेम में चेकआउट कर सकते हैं। तो बाइक का जो पूरा लुक है वो कुछ ऐसा निकल के आने वाला है। और भाई अगर आपको ये बाइक परचेज़ करनी है तो भाई आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं। शोरूम का भाई जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ऑन रोड जो प्राइस है वो भाई आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। शोरूम जो है भाई आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन भाई सबसे पहले बाइक इसी शोरूम पे आती है जो कि भाई सुल्तानपुर में ये शोरूम है। तो भाई जो लोग भी आसपास के हैं सुल्तानपुर के तो वो एक बार कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। भाई यहाँ पे आपको यमहा की सभी लेटेस्ट बाइकें मिल जाएंगी। और भाई ये वाली जो बाइक है किस किसने देखी है शोरूम पे वो आप कमेंट डाउन ज़रूर करना। खैर भाई इस वीडियो में हमने इसका रिव्यू किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही भाई कमेंट ज़रूर कर देना। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।